आज हम सुनेंगे संतोषी माता के शुक्रवार व्रत की कथा। तो चलिए आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी। दोस्तों, एक समय की बात है, एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बसती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया, घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखाने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़ों में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए, उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे उपले थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। दो निशानी आपन दे, धरू मैं धीर, सुधीमती हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले, और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी, रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। जब उसने उससे व्रत की विधि पूछी, वह भक्तनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 1.25 आने का लेना, या 1.25 रुपए का भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध होने जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सिर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम में खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, ना मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में खटाई ना खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है। सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है,
यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी, दीन हो विनती करने लगी। माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरे दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि उसके दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा? मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से भावी होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसकी याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है। माँ बोली, बोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसके सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरा बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ, देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे में भरे सामान के खरीदार नकद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा, धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तो ऐसा कर लकड़ियों के तीन बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर व तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खा माँ के मिलने जाएगा, तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के तीन गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा, सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना विश्राम करके गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है, लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से तीन आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है, माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गाँव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं, चार पैर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ मैंने इसे भी देख लिया और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की ताली दो उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया, एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया, अब क्या था, बहु सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया, उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी, जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीवने आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे,
हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा, जब जेल की मार खाएगा। बहू से है सहन नहीं हुए। माँ संतोषी से माफी मांगी। रोती हुई माता जी के मंदिर गई, कहने लगी, हे माता तुमने क्या किया। हंसाकर भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बात सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो री कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्न से पगली बंद चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ ने माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जग माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। दोस्तों इस प्रकार से संतोषी माता की व्रत कथा संपूर्ण होती है। यदि आप जानना चाहते हैं कि माता का व्रत किस प्रकार से करें, कब तक करें, कितने करें, इन नियमों का पालन करके उद्यापन कैसे करें, तो इस सब का वीडियो हमने डिटेल में बना रखा है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, इसलिए आप उसे जाकर अवश्य देख लीजिएगा। अगली वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।